हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे मैथ्स बेसिक एजुकेशन हब पर। आज मैं आपको जो इस समय BEO की वैकेंसीज आई हैं उसी के संदर्भ में, जो 309 जगह हैं, इसके पहले जो पेपर हुआ था 2006 की जगह थी और इसका जो पेपर हुआ था वो हुआ था 6 जुलाई 2008 को, यानी तब ये SDI के नाम से पेपर हुआ करता था। तो चलिए आइए देखते हैं कि हिंदी का पेपर कैसा आता। तो मैंने इसका एक कवर पेज लगा हुआ है, डी सीरीज है, और उसके जो भी हिंदी के क्वेश्चन 100 थे, मैं पहले आपको 100 क्वेश्चन, बाकी जो चारों सेगमेंट दिखाएंगे आपको, हिंदी का, गणित का, सामान्य ज्ञान का और आपका रीजनिंग का। हालांकि अब की बार रीजनिंग का पोर्शन नहीं, तो रीजनिंग भी मैं इसमें डाल दूंगा जिससे आप लोग देख सकें और किस प्रकार का क्वेश्चन आता है जिससे आपको आइडिया लग सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए पहला क्वेश्चन आया, तो मैं क्वेश्चन आपको धीरे धीरे पढ़ देता हूँ, ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, उसे आप रोक रोक के वीडियो को देख के पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो इसमें से चयन करना था घर का कौन सा विकल्प नहीं है पर्यायवाची में। इसमें दूसरा क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है, पार्थ का कौन सा शब्द पर्यायवाची इसमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, मौन शब्द का विलोम क्या है, तो मौन शब्द का आपको विलोम इसमें लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4 आया था, निर्दय का विलोम शब्द क्या है, तो निर्दय का आपको विलोम शब्द लिखना है। अगला था तिमिर का विलोम शब्द, यानी विलोम शब्दों की बात चल रही है यहाँ पे। फिर पूछा गया तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा, तो आपको तीक्ष्ण का विलोम लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द लिखना था, यानी कृत्रिम जो होता है उसका आपको विलोम शब्द लिखना था। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन 8 था, उद्दत का जो है विलोम आर्थी शब्द लिखना था। इसके आगे देखिए 9th क्वेश्चन था, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है, उदार का आपको विलोम लिखना था। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका 10 था, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है, यानी शुक्ल का विलोम आपको लिखना था। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 था, इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम शब्द है, यानी प्रस्थान का आपको विलोम शब्द लिखना था। क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, जहाँ आपको लगे आप हमारा वीडियो रोक रोक के देख सकते हैं। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन आगे की ओर, जो इसमें आपके 100 क्वेश्चन हैं उन्हें सबको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा, यानी ससुर को तत्सम में कैसे लिखा, तत्सम शब्द में कैसा लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पलंग का तत्सम रूप क्या होगा, यानी पलंग जो है उसका तत्सम रूप लिखना था। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 आया था, ओठ किस श्रेणी का शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, विदेशी है या फिर देशज है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से तत्सम शब्द का चयन करें, यानी इसमें कौन सा शब्द तत्सम है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 था, ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, यानी तद्भव ईख लिखा हुआ इसको तत्सम में कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या होगा, यानी अटारी को अगर आपको तत्सम में लिखना है तो कैसे आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना था, इसमें तद्भव आपको बताना था कौन सा इसमें शब्द तद्भव है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए, यानी जो बना है सही शब्द कौन सा है जिसका इसमें तत्सम और तद्भव सही लिखा गया है एक साथ, उनको लिखना है। कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देसी, देशज है, विदेशी है। और अगला आया था, मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से कौन सा शब्द निर्मित होगा, ये आपको बताना था। अगर आप धीरे धीरे देखना चाहते तो हमारा वीडियो रोक सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 क्वेश्चन नंबर है, अनधिकृत शब्द का
संधि विच्छेद क्या होगा वो आपको बताना है। इसमें कपि प्लस ईस का सही संधि संयोजन क्या होगा, यानी कौन सा शब्द बनेगा, बना के आपको बताना है। अगला है विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे किस संधि के नाम से जाना जाता है, यानी विसर्ग के साथ अगर स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है वो किस संधि के नाम से, तीन संधियां होती हैं उसमें से किस संधि के अंतर्गत उसको लिखा जाता है, कौन सी वो संधि होती है। अगला है परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, परोपकार का आपको संधि विच्छेद लिखना है। फिर मनः प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा, इन्हें मिलाने जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा, विसर्ग है, स्वर्ग है या व्यंजन है या फिर भाव संधि है। क्वेश्चन नंबर अगला आपका 27, चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी, चार संधियों के नाम दिए गए हैं आपको बताना है इसमें से कौन सी संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि किस शब्द में है, यानी जो इनके आप संधि विच्छेद करें और बतावें किसमें जो है वृद्धि स्वर संधि लगेगी। अगला है सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा वो आपको लिखना है, यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए कि वन वर्ड क्या होता है, जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश में उसे क्या कहते हैं, चार शब्द दिए गए हैं उसमें से सही शब्द का आपको चुनाव करना है। अंतिम शब्द का सही वाक्यांश क्या है, यानी इस शब्द कौन सा वन वर्ड है जिसके पर ये सही बैठता है उसको आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपके 31 हो गए हैं, 31 के बाद मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द क्या है, जिसकी अनिश्चित अगर जीविका होगी तो उसे क्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है जिस पर हमला न किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए कौन सा एक शब्द होता है उसको आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए कौन सा शब्द है, जो बहुत धीमे कार्य करता है उसके लिए कौन सा एक शब्द कहा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 35, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए कौन सा सही शब्द होगा, जो उचित और अनुचित दोनों का ज्ञान रखता हो उसे क्या कहते हैं। अगला है जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में क्या कह सकते हैं, कि जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके। अगला है अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, जो अनेक युगों से चला आता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। और एक ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसको क्या कहते हैं, सभी को पता होगा आंसु कवि, मतलब ऐसे आपको हमें पता है लेकिन आपको उसमें से लगाने हैं, मैंने आपको केवल क्वेश्चन दिखाना है। अब मुहावरों की बात करता हूँ, मुहावरा है पौ बारह होना, उसका सही अर्थ क्या है, इसमें आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन से सही का चुनाव करना है। चलिए मैं बढ़ता हूँ आपके 40 क्वेश्चन, 40वां जो है वो कौन सा, 40 क्वेश्चन नंबर सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आपको इसमें से ढूंढ के लिखना है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगला है खुदा गंजे को नाखून न दे, लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है, कि खुदा गंजे लोगों को नाखून न दे, इसका क्या मतलब होता है वो आपको बताना है, यानी उसका क्या सही अर्थ होगा वो आपको बता के लिखना है। यहाँ पे कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, एक से स्वभाव वाले होना। अगला क्वेश्चन है आपका एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है, चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। अगला है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आपने पढ़ लिया होगा इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक है वो आपको जवाब देना है। अब मैं क्वेश्चन 45 की ओर बढ़ता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, नकार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरे का क्या अभिप्राय है, इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उन चार ऑप्शनों में से आपको ये बताना है कि आखिर कौन सा इसमें आपका ऑप्शन बिल्कुल सही इस जो है आपके मुहावरे का अर्थ बता पा रहा है। अगला है आँख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ क्या है, इसमें से आपको चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से आपको छाट के लिखना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 47, चिकना घड़ा होना, उसका सही अर्थ आपको बता देना है
कि सही अर्थ क्या है, इसलिए मैंने थोड़ा आपको जल्दी से पढ़ रहा हूँ जिससे आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। अगला है, साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, यानी साधु को स्त्रीलिंग शब्द में क्या नाम रखते हैं, साध्वी कहते हैं, क्या कहते हैं, वो आपको बता देना है। अगला देखिए, और प्रश्न आ रहे हैं, मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से का कारक है, कौन सा कारक होते हैं, कारक चिन्हों में बताना कौन सा इसमें चिन्ह लगेगा। क्वेश्चन नंबर 50, वह पहुँचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल क्या है, तो वो पहुँचा ही होगा इसमें कौन सी क्रिया है उसको आपको बता देना है। अब आपके अभी 50 क्वेश्चन हुए बाकी हैं, और 50 क्वेश्चन, चलिए बढ़ता हूँ आगे 51 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है उसे चयनित कीजिए, ये चार दिए हैं, उज्जवल है, श्रृंगार है, कवयित्री है और श्रद्धा, इसमें कौन सा गलत है। यहाँ पर श्रृंगार हालांकि गलत है और सही जो लिखा है वो आपका सही है। चलिए, हालांकि अक्सर ये लिखा रहता है गलत ही होता है, जो इसमें बी वाला ऑप्शन है। निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, इसमें भी आपको शुद्ध कौन सा है, बाकी चार गलत हैं, शुद्ध कौन सा उसको आपको चयन करके बताना है। अगला है, निम्नलिखित ईकारांत शब्द में एक पुल्लिंग है उसे चयनित करना, इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आप ऐसा करेंगे, आप पुल्लिंग शब्द इसके बनाइए, जो शब्द पुल्लिंग में बन जाता है उसको आप लगा सकते हैं। चलिए, श्याम जल से पौधे सींच रहा है वाक्य में शुद्ध रूप होगा, यानी क्या सही शब्द है, ये सही चार दिए गए उसमें से सही शब्द का चुनाव करके आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए करना है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए, चार आपको वाक्य दिए गए हैं, इनमें चार में जो बिल्कुल आपको सही लगता हो वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 56 फिर वही है, इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य उसका चयन करना, जो अशुद्ध है वो बताना है कि इसमें कौन सा वो अशुद्ध है और बाकी तीन आपके शुद्ध हैं। चलिए, अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है, यानी द्विज का अर्थ नहीं बताता है। द्विज माने चंद्रमा, दांत पक्षी होता है लेकिन सिंह नहीं होता है, तो वही आपको बताना है द्विज किसका अर्थ नहीं बताता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है, यानी अंबर जो शब्द है वो अनेकार्थी किस चीज़ का, वो बताना है आपको। अचल शब्द का एक अर्थ है स्थिर और दूसरा, अचल माने एक तो स्थिर होता है, दूसरा क्या हो सकता है वो आपको बताना है इसमें 59 में। 60 में, इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द, यानी अमृत को और क्या कहते हैं वो आपको बताना है, यानी अमृत का जो है पर्यायवाची आपको इसमें देखना है कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा है, यानी मत्सर जो है उसका अनेकार्थी कौन सा शब्द है वो चुनके आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 62 है, सर्प है, मेघ है, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो इसमें बताना इन तीन शब्दों में कौन किसका अनेकार्थी शब्द है जो इसको मिला रहा है। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 63, स्वर्ग है, पृथ्वी है, सूर्य है, किस शब्द के अनेकार्थी वो आपको बताना है, किसका अनेकार्थी शब्द ये तीनों हैं। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 64 में, प्रतिष्ठा है, जल है, चमक है, किस शब्द के अनेकार्थी हैं, पानी के है, बिल्कुल सही जवाब, इसको देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 65, विधि कि इन अनेकार्थी शब्दों में से एक गलत है उसका चयनित करना है, विधि माने ब्रह्मा, कानून, पद्धति हो सकता है लेकिन अवधि नहीं होता, अवधि माने समय होता है लेकिन नियम या कानून नहीं होता। चलिए, मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। चलिए, क्वेश्चन संख्या 66, पत्राहि तिथि पाई वा घर के चहु चहु पास, पंक्ति में आपका अलंकार बताना है, इसमें कौन सा अलंकार है। उसके आगे है, तो परवारों उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है हो उर्वशी समान, इसमें बताना है कौन सा आपका अलंकार है। फिर अगला है, पीपर पात सरस मन डोला, पंक्ति में कौन सा अलंकार है वो आपको बताना है। मुदित महीप महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार ये आपको बताना है। अगला आपको है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबिरन को खोजत फिर कवि व्यविचारी चोर, दोहे में कौन सा अलंकार है, ये बहुत ही मशहूर है, ये आप बता सकते हैं। तीन बेर खाती थी, तीन बेर
खाती थी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसका भी चयन आपको करना है। चरण कमल बंधो हरि राई, इसमें भी आपको अलंकार का चयन करना है। अगला भी क्वेश्चन आपका है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा, इसमें भी आपको अलंकार ही बताना था कौन सा अलंकार है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित विकल्प में से शब्द अलंकार को चिन्हित करना, इसमें बताना है कौन सा इसमें शब्द अलंकार है। चलिए क्वेश्चन आगे मैं बढ़ता हूँ, नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प रूपक अलंकार से संबंधित है, इसमें बताना है कौन सा इसमें आपका रूपक अलंकार है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, शांत शब्द का स्थाई भाव क्या है, तो आपको बताना है इसमें कि शांत जो है रस का स्थाई भाव कौन सा है। अगला प्रश्न है, किस रस का स्थाई भाव रति है, तो रति का स्थाई भाव क्या है वो आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आगे है हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है, मतलब रसों की संख्या कितनी है कुल, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन बढ़ता हूँ, यशोदा हरिपल ने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलरावे, जोई सो कछु गावे, इस अवतरण में कौन सा रस है ये आपको बताना है। चलिए मैं बढ़ता हूँ आपको आगे, चलिए आगे है, उत्साह स्थाई भाव में किस रस की निष्पत्ति होती है, और अगला प्रश्न है 81, नब से टपकत बाज लखी भूले सकल प्रपंच, कंपित तनु व्याकुल नयन लवक हिलो नरंच, इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है ये आपको बताना है। चलिए मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 में ये आपको दोहा टाइप का एक दिया गया और इसमें भी बताना है कौन सा रस है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, इसमें कौन सा रस है ये आपको बताना है। ठीक इसी प्रकार से आपका ये देखिए, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा या आकार, ये भी एक दोहा टाइप का दिया गया, इसमें भी आपको बताना है कौन सा रस है 83 में। 84 में भी देखेंगे रौद्र रस का स्थाई भाव कौन सा है, आप इसको पढ़ करके कर सकते हैं। अगला है, जलमग्न शब्द में समास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 85। और ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगर आप 86 देखें, वज्र प्राण शब्द में कौन सा एक समास है, ये भी आपको चुन करके यहाँ पे लिखना है। अगला है 87 में, पंचवटी शब्द में समास कौन सा है, ये भी आपको बताना है। आगे अगर बढ़ेंगे 88 क्वेश्चन नंबर पे, उसमें पूछ रहा, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द के समास क्या है, मतलब कौन सा इसमें समास लग रहा है। और 89 देखेंगे तो उसमें है, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण, यानी बहुव्रीहि समास क्या है, अगर आप जानते हैं तो उसमें बता पाएंगे इसमें कौन सा बहुव्रीहि समास है। अगला है, इनमें से कौन सा द्विगु समास है, यानी संख्यावाचक है, जो आपको बताना है। चलिए अब क्वेश्चन आपके 10 बचे, देखता हूँ कौन से वो 10 क्वेश्चन और हैं। चलिए 91 प्रश्न है, प्रतिदिन शब्द में समास कौन सा होगा वो आपको बताना है। अगला है, जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाचक हो और उसमें समुदाय का बोध हो उसे क्या कहते हैं, यानी वो कौन सा समास होता है जिसमें पहला संख्यावाचक हो। दूसरा है, जिसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा विशेष हो उसको, उसमें कौन सा समास होता है वो आपको भी चॉइस करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 है, कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा ये आपको बताना है। और क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत है, यानी क्रोध का कौन सा पर्यायवाची नहीं है ये आपको इसमें खोज करके बताना है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे, इसमें आगे आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 91, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा बताना है, प्रतिदिन में कौन सा समास है। और क्वेश्चन नंबर 92 है, जिन समस्त शब्दों में पहला शब्द संख्यावाचक हो और उसमें समुदाय का बोध हो उसे क्या कहते हैं, वो आपको समास बताना है, परिभाषा है मतलब, जिसमें पहला शब्द
विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो उसे कौन सा समास कहते हैं, ये आपको ढूंढ के बताना है। अगला है कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है, और क्वेश्चन नंबर 95 है क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है उसे चयनित करना है। क्वेश्चन नंबर 96 है निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द मोर शब्द का पर्यायवाची नहीं है उसे आपको चिन्हित करना है, यानी कौन सा मोर का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 इनमें से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, यानी कृष्ण के तीन पर्यायवाची हैं लेकिन एक पर्यायवाची नहीं, उसको आपको खोज के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 98 इनमें से कौन सा शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित करना है। और क्वेश्चन नंबर आपका 99 निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित करना है। और आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित करना था। कुल मिला के ये थे आपके हिंदी के 100 प्रश्न। अगर आपको इसमें से ये कोई भी प्रश्न जो है आपको PDF फाइल चाहिए तो आप लोग मुझे PDF फाइल के लिए लिख सकते हैं, हमारा जो WhatsApp नंबर है उस पर आप जो है हमें दे सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर है 73 98 71 10 49। आप इस नंबर पर लिख देंगे कि BEO जो भी आप पेपर चाहिए आपको वो मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं आपको इसी प्रकार से BEO के जो मैथ की आपकी कोई भी समस्या हो उसे आप डालेंगे हमारे WhatsApp नंबर पे, या फिर आप कमेंट करेंगे उसका जवाब हम आपको ज़रूर देंगे, और हम आपको हर विषय की एक वीडियो बना के अवश्य देंगे जिससे आप 100% अपने आप को मैथ में सफलतापूर्वक अपने आप को पहुँचा सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।